नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर नारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट टू के छात्रों के लिए मानव भूगोल में प्रादेशिक संश्लेषण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। प्रदेश की संकल्पना भूगोल की प्रारंभिक संकल्पना रही है। हालांकि प्रदेश के निर्धारण में नए तथ्य जुटते चले गए। प्राचीन काल में स्ट्रैबो ने अपने अनुभव एवं अन्य विद्वानों के कार्यों के आधार पर विश्व का प्रादेशिक भूगोल लिखा था, जिसका आधार राजनीतिक सीमाएं थीं। हम इस लेख में मानव भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत प्रादेशिक संश्लेषण की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं। 18वीं शताब्दी तक लिखे गए प्रादेशिक भूगोल में राजनीतिक सीमाएँ ही प्रदेश का आधार था। गेटेरियर ने 1775 ईस्वी में प्रादेशिक भूगोल पर लिखे ग्रंथ में प्रादेशीकरण में राजनीतिक सीमाओं के साथ साथ मानव भूगोल मानव समूहों के वितरण को भी ध्यान में रखा था। प्रादेशिक चिंतन को नया स्वरूप देने का कार्य हुमेयर एवं अगस्त जून ने किया। हुमेयर ने पृथ्वी के चार स्तरीय प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया। ये हैं पहला स्थान विशेष, दूसरा प्रदेश, तीसरा जिलों का समूह और चौथा स्थलखंड। जून ने गेटेरर के कार्यों को मान्यता दिया तथा यूरोप को दो बृहद इकाइयों में विभाजित करते हुए प्रत्येक को उप विभाजित किया। सैद्धांतिक रूप से वारेनियस ने भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल या सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल या क्षेत्र विवरण भूगोल में विभाजित किया था। यही विभाजन सामान्य भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के रूप में हम्बोल्ट एवं रिटर के द्वारा विकसित हुआ। इस तरह प्रादेशिक संश्लेषण की संकल्पना का विकास का प्रारंभ वारेनियस द्वारा ही हुआ। वारेनियस के कार्यों के बाद फ्रांस, जर्मन, यूएसए, ब्रिटेन में प्रादेशिक अध्ययन क्रमशः विकसित होता रहा। प्रादेशिक संश्लेषण भूगोल की नवीन चिंतन देने एवं आधुनिक स्तर पर विकसित करने का कार्य रिटर महोदय ने किया। अरकुंडे पुस्तक में विश्व के सभी महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी एवं फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल एवं प्रदेश की संकल्पना पर महत्वपूर्ण शोध की गई। फ्रांस में लाप्लास का कार्य प्रादेशिक भूगोलवेत्ताओं के लिए महत्वपूर्ण रहा। भूगोल के अध्ययन में प्रदेशों के अध्ययन ने नई स्फूर्ति प्रदान की। लाप्लास ने प्रदेशों की नवीन व्याख्या की तथा बताया कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व एक दूसरे से अविभाज्य हैं तथा मानव एवं प्रकृति के परस्पर संबंध द्वारा विशिष्ट भूतलीय स्वरूप का निर्धारण होता है। अतः स्थलीय लक्षणों के अध्ययन में मानवीय क्रियाकलापों को भी महत्व देना आवश्यक है तथा प्रकृति एवं मानव क्षेत्रों को समझकर ही ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन होना चाहिए। लाप्लास महोदय ने उपर्युक्त संदर्भ में पहली बार प्रदेश शब्द का प्रयोग किया था। स्पष्ट है कि भूगोल में प्रदेश या प्रादेशिक संश्लेषण की संकल्पना में क्षेत्रीय प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों का अध्ययन किया जाने लगा तथा इसी संदर्भ में एक विशिष्ट प्रदेश का अन्य प्रदेश से भिन्नता स्पष्ट हुई। हार्टसोन के अनुसार प्रदेश एक विशिष्ट स्थिति वाला प्रदेश होता है जो अन्य क्षेत्रों से विशिष्टता लिए रहता है तथा ऐसे प्रदेशों का विस्तार उस विशिष्टता की सीमा तक होता है। अतः विशिष्टता का सही निर्णय या निर्धारण करने पर प्रादेशिक विभाजन की सफलता निर्भर करती है। हालांकि विश्व में प्रादेशिक संश्लेषण की संकल्पना का विकास हो रहा था, लेकिन प्रदेशों के निर्धारण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला समाज ही आधार था। लाप्लास महोदय ने कहा कि एक प्रदेश में रहने वाला समाज स्थानीय होना चाहिए और वहाँ वे लक्षणों में ग्रामीण हों। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में खाद्यान्न, अधिवास, ऊर्जा, निर्माण तंत्र आदि अधिकांश साधन स्थानीय रहने से प्रदेश स्वावलंबी होता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण विकसित नवीन समाज में आत्मनिर्भरता अंतर निर्भरता में बदल गई। अंततः लाप्लास महोदय ने स्वीकार किया कि वर्तमान स्वरूप में प्रदेशों की अवधारणा का सीधा संबंध उद्योगों एवं औद्योगिक क्रांति से है। सभी विकसित देशों में जहां औद्योगिकरण है वहां का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विद्वानों ने विकसित देशों के प्रदेशों की व्याख्या को वहां के निरंतर विकासशील तथा परिवर्तनशील तत्वों के अंतर संबंधों पर आधारित माना है। हार्टसोन ने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है। इसमें उन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ ही भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय संबंधों को समझने पर बल दिया था।
इस तरह प्रादेशिक संश्लेषण भूगोल में सभी प्रकार के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के ज्ञान को संगठित कर उन्हें सामान्य इकाइयों एवं उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। साथ ही इन सभी कारणों का संबंध पृथ्वी से बनाए रखा जाता है। इसमें प्रदेशों के इकाई विशेष के अंतर संबंधित तत्व या लक्षणों की समरूपता या संश्लेषण एवं विश्लेषण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रादेशिक संकल्पना के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। ब्रायन बेरी ने प्रदेश के स्वरूप को प्रादेशिक संश्लेषण की संज्ञा दी। वर्तमान में प्रदेशों के निर्धारण में विभिन्न आधारों को स्वीकार किया जा चुका है तथा नए आधार भी सामने आ रहे हैं। तंत्र विश्लेषण का प्रयोग, गणितीय विधियों का प्रयोग, अनुभविक विधियों का प्रयोग प्रदेशों के निर्धारण में हो रहा है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियोजन के लिए प्रदेशों का निर्धारण हो रहा है। स्पष्ट है कि प्रादेशिक संश्लेषण की संकल्पना का व्यापक अर्थ में प्रयोग हो रहा है और कोई स्थान विशेष के रूप में अस्थैतिक चर के रूप में नहीं बल्कि गत्यात्मक चर तथा संकल्पना के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। हम आशा करते हैं कि इस आलेख ने आपको प्रादेशिक संश्लेषण की संकल्पना के बारे में जानने में सहायता की। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।